माँ मेरे साथ रहेगी भैया। प्रेम, मैं बड़ा हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी, माँ मेरे साथ जाएंगी। अरे बड़े हैं तो क्या हुआ, कमाई तो मेरी ज्यादा है ना, तो माँ का ख्याल मैं ज्यादा रखूंगा और मेरे साथ खुश रहेंगी माँ। बीबी की कमाई खाने वाला, मुझे पैसों की धौंस दिखा रहा है तू हैं? इतना ही बड़ा लखपति है तो क्यों माँ बाप का खर्चा मेरे सर पर डाल रखा है तूने? अरे कोई ऐसा नहीं करते हो अगर खर्चा उठाते हो तो। अरे जमीन भी तो तुमने हड़प रखी है ना, जिस दिन हिसाब करने बैठ गया ना तुम्हारी माँ सी मर जाएगी। अरे चुप कर जाओ कपूतो, बहुत कर लिया तुमने ड्रामे, शर्म ना आ रही तुम्हें? माँ सामने बैठी हुई रो रही है और कलेश मचा रखा तुम दोनों ने। जब इन्हें पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया तो उस समय ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि आज हमें ये सब भी देखना पड़ेगा। शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। ना बाबूजी आपकी कोई गलती ना है, और माँ जी आप क्यों रो रही हो, चुप हो जाओ। अरे इन नालायकों की खातिर अपने कीमती आंसू क्यों बहा रही हो? अरे ये दोनों तो तुम्हारी गाली सुनने लायक भी ना है। लीलो बेटा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है अपने घर में अपने पति के पास। माँ जी जैसा आप कह रही हो ना बिल्कुल वैसा होगा। अरे मैं भी देखूँ अब की बारी कैसे ले जाएंगे तुम्हें। देखिए लीलो भैया, ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में मत पड़िए। हाँ हम खुद ही सुलट लेंगे। अरे ऐसे कैसे खुद निपटा लोगे, हर बार माँ बाबूजी पे अन्याय करते रहोगे, लीलू कुछ ना कहे। बेटा एक बात याद दिला दूं अगर भूल गए हो तो, तुम्हारी तरह मुझे भी इन्होंने गोद में खिलाया। जिस जगह पैदा हुए वो कैसे भूल सकते हैं, याद है हमें, इसलिए तो माँ को अपने साथ ले जाने आए हैं। और हम इनके बेटे हैं, जो भी करेंगे इनके भले की करेंगे। बुढ़ापे में अपने माँ बाबूजी को अलग कर रहे हो, यह तुम्हारी भलाई का काम? अरे इस उम्र में जीवन साथी को एक दूसरे के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और तुम लोग अपने फायदे के चक्कर में इन्हें अलग कर रहे हो। बेटा मैं सब चालाकी जानूं तुम दोनों की, तुम बाबूजी यहाँ छोड़ के और माँ जी अपने साथ गुड़गांव की लेके जा रहे हो। माँ जी वो गुल्लू अंदर सो रहा है तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और मैं ये बताना भूल गई कि मैं और प्रेम ना शाम को थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो प्लीज उसके खाने का भी आप देख लेना। आप यहाँ बैठ करके टीवी देख रही हो, सामने देखिए गुल्लू खेलता हुआ सीढ़ियों पे पहुंच गया। आपसे बोला था ना उसका ध्यान रखने के लिए, एक काम आपसे नहीं होता है। आप ना बस मुफ्त की रोटियां तोड़ लो यहाँ बैठ करके, पता नहीं किसी काम की नहीं हो आप। अच्छी बात है प्रेम, तू और तेरी पत्नी नौकरी करें, लेकिन इसका मतलब यूं ना है तू माँ जी नौकरानी बनाकर रखे घर में। अरे औलाद तूने पैदा करी है तो जिम्मेदारी भी तो तेरी है ना पालने की, इसमें माँ जी की क्या गलती है? अरे ये बेचारी तो पोते के लाड़ में चली गई तेरे घर, लेकिन तूने तो दादी की जगह इन्हें नौकरानी बना लिया। अरे धिक्कार है तुझ पे और तेरी बीवी पे। बिल्कुल सही कह रहे हो लीलू भैया, इस प्रेम ने हमेशा माँ जी को नौकरानी बना के काम कराया है, इसलिए माँ जी को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तू तो बड़ा दूध का धुला ना, अमर तूने भी कोई कसर ना छोड़ी माँ जी को सताने में। क्या खाना बनाया है माँ आपने, अब आपके हाथों में वो स्वाद नहीं रहा जो बचपन में हुआ करता था। अरे खाना नहीं बनाना तो मना कर दो ना, इतना ज्यादा नमक डाल के सबको मारोगी क्या? बेटा मुझे वापस नोएडा भेज दे, मुझे यहाँ नहीं रहना। आपको क्या जल्दी है नोएडा जाने की, अभी 20 दिन बाद मीनू का बर्थडे है, उसकी सहेलियां आएंगी, इतने मेहमान होंगे, सबका खाना आप ही को तो बनाना है, अकेले ये थोड़ी ना बनाएगी। अरे इसने तो अपनी माँ को रसोईया तक बना दिया था, और ये बेचारी ममता की मारी बेटे के प्यार में इनका अच्छा बुरा सब कुछ सहन करती रही। अरे तुम जैसी औलाद से तो अच्छा है कि भगवान बे औलाद रखे, माँ की क्या कीमत होती है उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती ना तो सारा आसमान उसके पैरों में रख देता। लीलू भैया ये सब बातें ना फिल्मों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। जब माँ बाप का खर्चा उठाना पड़ता है ना तो नानी याद आ जाती है। बेटा नानी तो तुम्हारी मैं अच्छे से याद दिला देता, शुक्र मनाओ अपने माँ बाबूजी का कि अब तक सही सलामत खड़े हो अपने पैरों पे। पर रही बात माँ बाबूजी के खर्च उठाने की, बेटा भगवान की दुआ से बतेरा पैसा इस लीलू पर धान पे, और मैं क्या इन्हें अपने पास रखूंगा, उल्टा आज सुबह इनके पास रहूंगा, उनकी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी होगी।
मेरा दिमाग फिरे उससे पहले चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना खाल उतार कर भूसा भर दूंगा। देख रही हूँ माँ, एक बाहर का आदमी कैसे हमें जलीकट्टी सुना रहा है। और कैसी माँ हो तुम, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों की बेइज्जती हो रही है और आप दोनों बैठे बस करो, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। अब से लीलू ही मेरा बेटा है। तू नील है तू ही खुदाए, तुझसे है सब कुछ तू रब माए, तू ही यशोदा।